हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्ते। खुशबू ब्लॉग में स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी भुजिया। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर दो आलू ली थी, एक टमाटर, एक प्याज, सबको काट ली हूँ। सबको मिलाकर मैं भुजिया सब्जी बनाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा पैन गर्म हो गया है, कढ़ाई। अब इसमें डालती हूँ तेल। तेल गर्म हो गया है, अब डालती हूँ ये पचफोरन होता है ना, जिसमें मेथी, जीरा, सौंफ, मंगरेला, अजवाइन मिलाया जाता है और इसको अच्छे से तड़काएंगे। इसमें डाल देती हूँ एक सूखी मिर्च। मैं डाल लेती हूँ कटा हुआ आलू, टमाटर और प्याज। ढक देती हूँ, गैस निकले नहीं। मैं डाल देती हूँ नमक, प्याज है, टमाटर है और आलू है। ऐड कर देती हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको मिला लेती हूँ। मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम थोड़ा सा है। इसको मिला अच्छे से। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खाते हैं, खा लीजिएगा। इसको पकने देते हैं, बर्तन 2 मिनट इसी तरह ढककर छोड़ देती हूँ, पक जाएगा अच्छे से। 2 मिनट हो गया इसको पकते हुए, देख सकते हैं चलाकर, जला तो नहीं है। नहीं जला है, देखिए जल गया है। थोड़ा देर इसको और पकाऊंगी, ढकूंगी नहीं, इसी तरह रखूंगी। देखिए कितने अच्छे से पक गया है। इसको थोड़ा देर और भूनूंगी, इस तरह पक गया है अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से पक गई है, एक प्लेट में निकाली हूँ। देखिए पक गई है ना, पूरा गल गई है। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं या दाल चावल से भी खा सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।